हाँ जी, एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, दिस इज अ फ्रेंड सनी द अनस्टॉपेबल वर्मा। चलिए गाइस, आ जाइए ऑनलाइन, फिर हम करते हैं क्लास बिगिन। एंड आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीवन ऑफ यू। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन। आई होप आप सभी मुझे सुन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। यस चैंप, ऑफ कोर्स। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, एन वाई यू जतिन सिंह रावत, एन वाई यू जी भी आए हैं। चलिए, हाँ जी, यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अनअकैडमी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारे एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, इट मीन्स आपको घर बैठकर पढ़ाई करने का कंफर्ट मिलेगा। उस कंफर्ट के साथ साथ ढेर सारा सिलेबस भी कवर होगा, टॉपिक वाइज ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ेंगे। सिस्टम क्या है, आपने डाउट्स क्लियर किए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो डाउट क्लियर करना बेकार है। डाउट क्लियर किए, फिर उसकी प्रैक्टिस करी एंड आपने लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, बस वो आपके मेमोरीज में बैठ गई चीज, अब एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से, उसके साथ साथ गाइडेंस दोस्तों, टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस मिलेगी आपको। उस गाइडेंस की मदद से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, चीट कोड्स होते हैं हर जगह। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से आप सक्सेसफुल कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, है ना। चलिए, तो टॉप एजुकेटर्स गाइस, अर्पित चौधरी सर, उनके प्रोफाइल पर जाकर आप क्लासेस चेक कर सकते हैं, ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। सेम विद राम स्वरूप जयानी सर, आपको फिजिक्स में मदद करेंगे, एंड सेम विद मयंक चतुर्वेदी सर, ये भी सर आपको मैथ्स में मदद करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा प्लस का सब्सक्रिप्शन, जो कि मिलेगा ऐसे हरे से बटन को दबाकर। ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्राइजिंग मिलेगी। द प्राइजिंग and the pricing, highest 12 month की guys 8000 rupees, यहाँ पर आपको discount मिल सकता है बड़े प्यार से। कैसे, कुछ भी नहीं करना, team अर्पित लिख देना बस यहाँ पर, without space and in the capital letters। जैसे ही आप इसे enter करेंगे आप देखेंगे, पाएंगे और अचंभित हो जाएंगे कि यहाँ पर 7200 रुपया हो गया भैया। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट यू कैन अवेल बाय एंटरिंग द टीम अर्पित रेफरल कोड। उसके लिए आपको अनअकैडमी डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन योर फोन एंड स्टार्ट लर्निंग गाइस। बार बार टाइम नहीं आता है, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, अपॉर्चुनिटी एक बार आकर नॉक करती है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए दोस्तों, इसी बात पे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक बड़ा सही है आज का। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कैलकुलेट क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिफेंस एंड वेपन्स का ओवरव्यू यहाँ पर लेके आया हूँ आपके सामने, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द HDI। अभी इन सभी फैक्टर्स को मैं नहीं कर रहा हूँ, HDI, योर GDP, ठीक है जी, इवन योर एजुकेशन, अगर हम सेक्टर्स में डिवाइड करें तो हेल्थ सेक्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसके साथ साथ बस मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैं डेटरेंस थ्योरी पर जाऊँ तो हम तो कुछ कंट्रीज ऐसी है हमारे आसपास जो कि बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उनको उनका कल्चरली दे आर नॉट स्ट्रांग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों का कल्चर आपको कुछ सिखाता तो आप कुछ और होते आज की डेट में, बट यू आर नॉट। और ये मुझे बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान से सीखना चाहिए दूसरे देशों को, और वो सीखते नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं हम समझाने की, दिखाने की, लेकिन नहीं, दूसरी कंट्री बस वो अपने न जाने वो किसके बहकावे में है। चलिए छोड़िए इस बातों को, लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूक्लियर आर्सेनल अपना बढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए हमें सिक्योर होना है। डेटरेंस की बात मैं इंडिया के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि जो इंफीरियर
कंट्री होती है वो डेटरेंस की बात करती है, डरावा वो देती है। सुपीरियर कंट्री बड़े समझदारी तरीके से चलती है। अगर मैं डेटरेंस की बात करूं तो नॉर्थ कोरिया डेटरेंस है, न्यूक्लियर डेटरेंस के अंदर आती है, पाकिस्तान आता है, टर्की भी आता है, अजरबैजान भी, ठीक है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है इनसे, ठीक है। तो मैं यहां पर इंडिया एज सुपर पावर डिफेंस और वेपन्स का ओवरव्यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू जी अक्षित सिंह चौधरी। हाँ जी शुभम गुप्ता, इट्स दिसंबर, आई नो यार, प्लीज। यस चलिए, तो न्यूक्लियर, नॉट न्यूक्लियर वेपन ओनली बट दी वेपन एंड द डिफेंस ओवरऑल, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? लेट मी ग्रैब माय रिमोट फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए दोस्तों, इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, इसकी पीछे बट ऑब्वियस रीजन है। और नॉट ओनली इन द मिलिट्री, वी आर ऑल्सो डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इन हेल्थ सेक्टर, इन एजुकेशन, इन ऑटोमोबाइल्स, इन हैवी इंडस्ट्रीज, इन फैशन, राइट। बट अगर हम मिलिट्रीज की बात करें तो इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग। और हमारे पास जो चीजें हैं वो ऐसी नहीं है कि चलते चलते उनका व्हील निकल जाता, हमारे पास वो चीज नहीं है। वी गॉट द बेस्ट इन आर कंट्री, राइट, इंडिया इज बेस्ट, कम ऑन। आइए जी हर्षवर्धन जी, मैं तो आपको पूजा समझ रहा था, हर्षवर्धन तो आ गए। अरे मैं सोच रहा था टैंगो ही हर्षवर्धन है। चलिए तो भैया, हमारे पास अब कौन से न्यूक्लियर आर्सेनल है? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसके अंदर अभी राफेल नहीं किया है ऐड, ठीक है जी। राफेल के ऊपर मैं क्लास ले चुका हूं ऑलरेडी, तो दूसरे आर्सेनल को भी मौका मिलना चाहिए। अभी मैंने राफेल इसमें ऐड नहीं किया। सो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 10 पिनाका MLRS से, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, राइट, और मल्टीपल, वट एवर यू कैन से, द पिनाका। पिनाका जो कि नाम निकलता है लॉर्ड शिवा के बो से, धनुष से, है ना, पिनाका। थैंक यू मृणमय, थैंक यू सो मच। ऑफकोर्स आई विल कंटिन्यू शुभम गुप्ता, ऑफकोर्स आई विल कंटिन्यू, डेफिनेटली आई विल, यस। तो पिनाका वॉज इंडियाज लॉन्ग रेंज रिप्लेसमेंट ऑफ द विंटेज BM-21 जो कि आपके रशिया प्रोवाइड करते थे। बट पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, बस एक जगह खड़े होकर छोड़ दिया और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर जो छुपे होते हैं आतंकवादी, ठीक है जी, अगर वो आतंकवादी नहीं है तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, इट एंटर्ड सर्विस इन 1998, 40 किलोमीटर रेंज सिस्टम के साथ आया था और 12 रॉकेट इसके साथ ऊपर माउंट हो सकते थे, ठीक है जी। धीरे 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 इसकी रेंज बढ़ी, 65 किलोमीटर रेंज अब इसकी हो चुकी है। और भैया DRDO ने टीम अप किया था इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज के साथ इसके ऊपर, इसके अंदर जो रॉकेट इंस्टॉल है उसके साथ GPS की मदद से एक्यूरेट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सके। सोचिए एक रॉकेट सिस्टम, हाँ जी, ठीक है जी। आप लोगों ने एक बात नोट करी, चैट के अंदर चीनू भी था, चीनू भी थी, पूजा सिंह भी थी, हर्षवर्धन नहीं था। अब हर्षवर्धन है, पूजा सिंह नहीं दिख रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पर, बहुत भयंकर वाली है। इग्नोर नहीं करना इन सब चीजों को यार। चलिए हाँ जी, तो इसराइल वन सच कंट्री जो कि एक एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है, गेटवे की तरह काम करता है अमेरिका के लिए, ऑफ कोर्स। एंड यू नो रीजन उसके पीछे क्या है? हाँ जी दिवांशु जी, गॉड ब्लेस यू। रीजन है उसके पीछे एबंडेंस
अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और द क्रूड ऑयल, राइट। बट यहाँ पर देखिए, इसराइल को भी मालूम है कि वो अकेला है, ज्यूइश कंट्री इन द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, सराउंडेड बाय गुड नेशंस इन फैक्ट, लेकिन इजिप्ट और टर्की भी है वहाँ पर और सीरिया भी है, और कुछ ऐसी कमज़ोर कंट्रीज है जैसे जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, जहाँ पर सिविल वॉर करना बहुत आसान है। तो इन लोगों के लिए बट ऑब्वियस हो जाता है अपने आर्सेनल को स्ट्रॉन्ग करना, राइट। और इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है अपने आर्सेनल को स्ट्रॉन्ग करना। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि GDP से शिफ्ट मारे GNP के ऊपर, डोमेस्टिक से नेशनल ओरिएंटेड पॉलिसीज अगर निकल के आई तो इट विल बी मोर गुड एंड प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया, राइट। चलिए जी, पिनाका बैटरी हैज अ टोटल ऑफ 288 रॉकेट्स ऑन द लॉन्चर्स एंड रेप्लिशमेंट व्हीकल्स, द इंडिया आर्मी हैज रिपोर्टेड ऑर्डर्स 15 बैटरीज। चलिए वो ठीक है, लेकिन अब आपने यहाँ पर देखा कि एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम इंडिया के पास है जिसका नाम है पिनाक, और वो अगर दुश्मनों के सामने जाकर खड़ा कर दिया जाए तो दुश्मन वैसे ही पीछे हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्मरी में से आता है, ठीक है जी, आपका पिनाक। उसके बाद जी आपका पैड AAD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, त्रयोध आप पूछ रहे थे, थर्ड AAD एंड PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस एंड द एडवांस्ड एयर डिफेंस। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि एक मिसाइल इंटरसेप्टर का सिस्टम है जो कि कमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, द पैड एंड द AAD। ये बिल्कुल रशिया के पास S-400 के नाम से है और आपका अमेरिका के पास थार्ड थर्मो व्हाट इज द नेम, थर्मो या थर्मो हाइड्रोलिक तो नहीं होगा, थार्ड अमेरिका के पास है। प्लीज लेट मी नो द फुल फॉर्म, आई जस्ट स्किप्ड, ये USA की है। इन दोनों से बेहतर फिलहाल नहीं है, लेकिन इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया, सो वी शुड बी प्राउड। यस, थर्ड थर्मल एडवांस एयर डिफेंस, एच में स्किप कर रहा हूं। चलिए तो थर्ड देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल, अभी लास्ट वीक की ही बात है कि इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खुद 1986 से अगर हम मान के चले प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, और 86 से 2008 तक थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस, ऑफ कोर्स थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड, ठीक है जी, टर्मिनल, ये टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड, ओके सॉरी मैं थर्मल बोल रहा हूँ उसको। तो 2008 के बाद देखा कि हमने मिसाइल्स तो बना लिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो बना लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स। आप लोगों में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है। तो पैराबोलिक पाथ 40 डिग्री एंगल पर अगर हम लॉन्च करें तो ज़्यादा दूर तक जाकर वो हिट कर सकता है, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। एंड क्रूज मिसाइल वो कुछ किलोमीटर स्ट्रेट कवर करता है, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलिस्टिक मिसाइल हेयर। हेलो, हाँ जी, हाय, क्लास में हूँ। हाँ ओके, बाय। पृथ्वी एयर डिफेंस एंड द एडवांस एयर डिफेंस, इंडिया के पास भी सेम ग्रीन पाइन रडार के साथ एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर 2000 किलोमीटर की रेंज तक कवर कर सकता है। हाँ जी, है ना प्राउड।
अच्छा हाइट कम है 5.4, एज कितनी है ये भी तो बताइए। एज भी तो यार करिए ना, अभी अगर आप 14 के हैं तो एज तो बढ़ेगी, अभी तो जस्ट आपने स्टार्ट ही की है। हाँ जी ठीक है जी, डन। क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक। हाँ जी ठीक है जी, चलिए अब हम आएंगे नामिका, नाग मिसाइल कैरियर नामिका, DRDO इस पे लिखा हुआ है नाग, जबरदस्त। चलिए सतारा है, फिर तो करिए कुछ बास्केटबॉल वगैरह खेलना शुरू कीजिए अभी के अभी, ठीक है, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल, चिन अप्स कीजिए करिए, लेकिन करने से होगा माय डियर फ्रेंड, ऐसे कैसे। चलिए इंडिया ने डेवलप किया है एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है नाग थर्ड जनरेशन, ठीक है जी। इट कंटेन्स 8 नाग मिसाइल्स इन द आर्मर्ड बॉक्स लॉन्चर्स प्लस अ फर्दर 8 फॉर रीलोड विद द कंप्लीट ऑप्टिकल एंड IR सेंसर सूट टू डिटेक्ट एनिमी टैंक्स। भैया हमारे टैंक्स खड़े हुए हैं फ्रंटियर्स पे और वहां पर हमने खड़ी कर दी नाग मिसाइल, अब वो आना चाह रहे हैं और हमारे पास है GPS गाइडेड नाग और हमने अपना बैरिकेड क्रॉस नहीं किया, हमने कभी भी नहीं किया फिलहाल, तो एक दो बार किया है वैसे चलिए, लेकिन उसको सर्जिकल बोलते हैं। अब वो आना चाह रहे हैं क्योंकि भैया कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है मुझे समझ नहीं आ रही है, कभी राजस्थान से आना चाह रहे हैं, कभी पंजाब से आना चाह रहे हैं, कभी कश्मीर से आना चाह रहे हैं, कभी इधर लद्दाख से घुसना चाह रहे हैं, कभी अब कहीं से नहीं घुस पाते हैं तो फिर वो बहरूपिया बन के आ जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो यार। ऑफ कोर्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे यार, कम ऑन डिफेंस की तैयारी कर रहे हो और पूछ रहे हो डिफेंस क्या होता है, कम ऑन यार, इंडिया के हैं ऑफ कोर्स, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, बस अब शुरू होने वाला है सब कुछ। द नाग हैज अ टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉर हेड विच एनेबल इट टू पेनिट्रेट एनी आर्मर इन द रीजन। घुस के टैंक भी है तो टैंक को भी फोड़ देगा वो अच्छे से। हाँ जी चलिए नेपच्यून। अब भैया कोस्टल एरियाज, रिमोट एरियाज, आपके आइलैंड्स, जल्दी से वहां पर पहुंचना है, वहां पर एक यूनिट को भी डिपोर्ट करना है, उनके राशन का भी इस्तेमाल करना है, हमें आर्टिलरी भी लेके जानी है ना, तो भैया उसके लिए हमें कार्गो शिप चाहिए। किसी भी चीज को आप इमेजिन करके पूरा नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, आपको स्ट्रेटजी चाहिए होती है ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज से कौन सा हमारा काम पूरा होगा। बहुत बढ़िया यार, कम ऑन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हो गया चलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है जी। तो इंडिया हैज 7500 किलोमीटर्स लॉन्ग कोस्ट लाइन, और कौन से स्टेट से कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा, कौन से स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है प्लीज लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो हमारे पास एक कैरियर एयरक्राफ्ट होना चाहिए जिसकी कमी पूरी करता है कौन, आपका नेपच्यून, ठीक है जी। हाँ जी हाँ, एंटी एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन
एंटी सबमरीन कैसे कि वो उसको डिटेक्ट कर सकता है 4 घंटे लगातार घूम कर, लिखा भी होगा यहाँ पर। हाँ, इट मीन्स डेट इट कैन फ्लाई 2000 किलोमीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है जी। उसके साथ साथ हंट सबमरीन फॉर 4 आवर्स एंड देन फ्लाई बैक 200 किलोमीटर टू बेस ऑन जस्ट इट इंटरनल फ्यूल, इसको रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यस ऑफ कोर्स, आपने सही बोला, ठीक है जी। उसके साथ इसके अंदर है मैड। नाउ व्हाट इज मैड? मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन, इट मीन्स इसके अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि आपके सबमरीन को हंट कर सकता है, ठीक है, उसको ट्रैक कर सकता है, उनके ऊपर उनकी लोकेशन को के कोऑर्डिनेट्स भेज सकता है, ठीक है जी। यस ऑफ कोर्स, भीष्म, हाँ जी, यस यस, मेरा माइक गिर गया, एक सेकंड दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, नाम नोट कर रहे हैं सारे? हाँ जी, नहीं अपना हर्षवर्धन एंड त्रयोद, व्हाट आई वांटेड टू से कि आप जाएंगे, आप वो तो अनमैंड से भी काम कर सकते हैं, अनमैंड से भी काम कर सकते हैं ना, लेकिन आपको मैंड कैरियर ही क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हमें एमरजेंसी के लिए कोई ऑपरेशन करना हो तो उसके अंदर हम आर्मरी भी रख सकते हैं, एक यूनिट भी कैरी कर सकते हैं और उनका फूड एंड द राशन भी हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सबमरीन डिटेक्टर ही चाहिए तो वाई मैंड, वाई नॉट अनमैंड, राइट? सो इट इज मैंड बिकॉज इट कैन कैरी अ प्लेटून इन इट, राइट। चलिए जी, T90 भीष्म दिखने में बहुत जबरदस्त है यार। T-55-72 tanks, it was natural that Indian Army chose the T-90s as their replacement. अरे manned and unmanned, remote controlled, हाँ, और pilot वाले, बस यही है। Yes, main battle tank, T-90. It weighs just 48 ton and has a crew of 3, which is made possible by the use of an autoloader for the 125mm smoothbore gun. इसका यूनिक फीचर है, हाँ जी, इसका यूनिक फीचर है गाइज, मैं रीड ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको एग्जैक्ट चीज़ें पॉइंट आउट करके बतानी, डेट्स वाई आई एम रीडिंग थिंग्स, प्लीज डोंट रोस्ट भी कि मैं देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर भैया इट हैज़ अ यूनिक फीचर दैट टैंक हैज़ द एबिलिटी टू फायर द इन वेवर एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम इट्स बैरल। द अदर स्पेशल फीचर इज दैट इवन दो द 12.7 mm मशीन गन माउंटेड ऑन द टुरेट इज मैनुअली ऑपरेटेड, इट कैन ऑल्सो बी रिमोटली कंट्रोल्ड फ्रॉम द इनसाइड द टूरेट बाय द कमांडर, हाँ जी। तो ये तो अंदर से ही निशाना लगा के मार सकते हैं जो भी इसके ऊपर मशीन गन माउंटेड है, राइट, द मेन बैटल टैंक। INS विक्रमादित्य एंड कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर नंबर 5 वी हैव विद अस, विक्रमादित्य। गाइज अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो बच्चे वही हैं अभी, 35, 36, 40 हैं कैसे चलेगा यार ऐसे। मेरी हाइट कितनी है? आई एम 5'11" 11.5 एंड 6 feet विद द बूट्स। चलिए, क्योंकि हैवी है ना प्रियांशु, हैवी है और वहां पर
स्टीप स्लोप्स है तो काफी मुश्किल हो जाती है, ठीक है जी। राइट, चलिए विक्रमादित्य। अरे नाम ही जबरदस्त है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अपने नाम के अंदर एंटर कर लूँ विक्रमादित्य। द फिफ्थ प्लेस इज टाइट बिटवीन इंडियाज एडवांस्ड कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर एंड इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। बोथ आर एक्सट्रीमली पावरफुल एसेट विच विल ऑपरेट टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट पावर एंड कैरिंग आउट मिशंस। INS विक्रमादित्य की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, लार्जेस्ट शिप एवर ऑपरेटेड बाय देम। कितना टन? 45,000 टन रिफर्बिश्ड कैरियर इज करेंटली द मोस्ट पावरफुल एसेट इन द इंडियन ओशन। इन द इंडियन ओशन, कम ऑन। इट हैज द कैपेसिटी टू डिप्लॉय 24 MiG 29K फाइटर्स अलोंग विद 6 अवैक्स हेलीकॉप्टर्स, ASW हेलीकॉप्टर, सॉरी। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं। चलिए INS कोलकाता को अगर हम देखें इसके साथ, फर्स्ट मॉडर्न इंडियन डिस्ट्रॉयर इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट, दिस क्लास ऑफ 3 शिप विल ऐड कंसिडरेबली टू द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। और आई थिंक इसमें से कोलकाता क्लास, व्हाट इज द नेम त्रयोद, व्हाट इज द नेम द लेटेस्ट एडिशन जस्ट इंडक्टेड बाय इन द इंडियन नेवी? द नेम इज कोलकाता क्लास कालवेरी। हाँ जी, चलिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा माइक इधर उधर हो जाता है। कहाँ पर आ गए हम? चलिए, हाँ जी। इट कैन हिट शिप्स एट रेंज ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी। द प्राइमरी SAM इज द बैरक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये अच्छा, मैं इस पे आ गया हूँ, सॉरी, मैंने मिक्सअप कर रहा हूँ यार आजकल चीजें। अगला जो पॉइंट है गाइज, वो आपका सैम का है। नहीं, सैम इसके अंदर है हमारे, सॉरी, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। सैम आपके कालवेरी, यस, मैंने कालवेरी तो बोला था, है ना? यस, कार्मोटा क्लास, हाँ जी। तो आपका लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी आपके कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर पर माउंटेड है, फाल्कन अवैक्स। फाल्कन अवैक्स, जब इससे पहले कॉल आया था तो मैंने पिक किया था, अभी दोस्त का आया तो मैंने पिक नहीं किया। हाँ जी, अवैक्स। लगा देंगे करंट अफेयर भी जल्दी से लगा देंगे दोस्तों। यस, गाइज यहां पर लिखा हुआ है हमारे सामने कि इंडिया ने लेट किया अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंडक्ट करने में, लेकिन जब भी उन्होंने इंडक्ट किया है तो एक बैंक के साथ किया, ठीक है जी, एक बैंक के साथ। सबसे एक्यूरेट रशियन 276 एयरक्राफ्ट के ऊपर इजरायली एल्टा 2019 रडार सिस्टम माउंटेड है। दिस रडार इज 360 डिग्री एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग एरे, जिसे बोला जाता है ऐसा, विच इज माउंटिंग इन साइड अ ड्रोन ऑन टॉप ऑफ द 276 जो कि रशियन मेड है, लाइक दिस वन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ।
नहीं वो अटेंड नहीं कर रहे, दे आर नॉट अटेंडिंग। हाँ जी अंबाला में ही है जी। चलिए चलिए गाइस जल्दी से फटाफट चलते हैं, क्या टाइम हो गया फिर नेक्स्ट क्लास आपकी 6:30 हो गए। चलिए फटाफट से हम आते हैं दोस्तों अब INS चक्र के ऊपर, जो कि एक सबमरीन है अकुला 2 क्लास SSN नेप्रा फ्रॉम द रशिया ऑन अ लीज फॉर 10 ईयर्स। इंडियन नेवी गेन द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ लॉन्ग रेंज अंडर वाटर एस्केप एस्कॉर्ट फॉर देयर कैरियर्स एंड डिस्ट्रॉयर। INS चक्र इज मॉडिफाइड फॉर इंडियन नीड्स एंड कैरिंग अ मिक्स ऑफ 36 टॉरपीडोज एंड द क्लब एंटी शिप मिसाइल्स विच कैन बी फायर्ड फ्रॉम द 8x533mm टॉरपीडो ट्यूब्स। आप टॉरपीडो पूछ रहे थे, आपके सामने हाजिर है माई डियर फ्रेंड, ठीक है। यस INS चक्र राइट। चलिए यहां पर एयर से लेकर के नेवल सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है इसके अंदर। नेवल भी इसके अंदर सबमरीन्स भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है, अवैक्स भी हैं, उससे पहले अब सुखोई का नाम भी आएगा और राफेल का मैं पहले ही क्लास कर चुका हूँ। आर्टिलरी के ऊपर मैंने पहले क्लास ली थी, है ना। तो प्लीज़ आप सभी ने नाम जरूर याद करने हैं, एक बार में नहीं होता है, ठीक है, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस इंडियन नेवी के अंदर इंडक्टेड है क्रूज मिसाइल एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास क्रूज मिसाइल ऑफिशियली इंडक्टेड है इन द आर्मी। नेवल वेरिएंट, आर्मी वेरिएंट, नेवल वेरिएंट की अगर हम बात करें, मिक्सअप हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट एक सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पर ही है, सॉरी, दिस इज द नेवल वर्जन, दिस इज द नेवल वर्जन एंड दिस इज योर एयर वर्जन राइट। ब्रह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल में आती है राइट। चलिए चलेंगे आगे दोस्तों। द नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस इज नेम्ड एज द ब्रह्मोस NG। नेक्स्ट जनरेशन स्मॉलर वर्जन होगा और स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है जी। यहाँ पर कितनी स्पीड की बात कर सकते हैं, यहाँ पर Mach 3 to Mach 3.5 जो कि स्पीड इसकी बढ़ा दी जाएगी, काफ़ी तेज चलेगी अरे तो, है ना, NG वेरिएंट। और देखेंगे जब भी इंडिया इसको डेवलप करेगा विद द रशिया ऑफ कोर्स, तो खलबली तो मचेगी, कहाँ कहाँ मचेगी आप सभी को मालूम है। चलिए सुखोई 30 MKI इज इट सुपरसोनिक, यस। हाँ जी किस किस का फेवरेट है, रेज योर हैंड सुखोई। हाँ जी रेज योर हैंड्स, किस किस का फेवरेट है, क्योंकि भारी चीज चलाना और उड़ाना उसका अपना ही मजा है। हल्की तो स्प्लेंडर भी है लेकिन बुलेट की अपनी बात है, है ना। और आजकल मेरी फेवरेट हो रखी है जावा, और जावा से मैं ऊपर चला गया हूँ बनेली के ऊपर, तो आजकल मुझे बहुत पसंद आ रही सब चीज़ें। हाँ जी यस। चलिए जी सुखोई, सुखोई का अपना स्वैग था, जब राफेल आ रहे थे तो ये एक गार्ड ऑफ ऑनर की तरह थे। भैया मैं तो सुखोई को ही देख रहा था, ठीक है जी।
सुखोई 30 MKI, दिस इज अ लॉन्ग रेंज मल्टी रोल सुपर मैन्यूवरेबल 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर विच इज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेसिफिकेशंस। हालांकि कुछ ये बातें हैं कि सुखोई एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नहीं बना है, है ना, ऑफ कोर्स ये नहीं बना है उसके लिए, इसका काम कुछ और है भाई, ठीक है। द बेस लाइन सुखोई 30 MKI फ्रॉम रशिया वॉज मॉडिफाइड विथ फ्रांस इसराइल एंड द इंडियन एवियोनिक्स टू क्रिएट द अल्टीमेट सुखोई 30 वेरियंट फॉर इंडिया। SU 30 MKI वेयर आई स्टैंड फॉर इंडिया आफ्टर रियलाइजिंग द कॉम्बैट पोटेंशियल एंड द वर्सेटिलिटी ऑफ दिस अमेजिंग फाइटर द इंडियन एयरफोर्स प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 272 एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया को दिया था और सबसे पहले वो ऑर्डर इंडिया का ही रिसीव करते हैं। दोस्ती भी कुछ होता है। यस क्या क्या कर सकता है आइए एक बार देखते हैं। हाँ जी, विद इट्स 4000 प्लस किलोमीटर रेंज 12 हार्ड पॉइंट 48,000 केजी ऑफ वेपन्स पैसा बार्स रडार इट आउटक्लास एनी अदर फाइटर इन दिस रीजन। लेकिन अब इसे लाइट वर्जन में थोड़ा सा सुपीरियर आपका राफेल। अब हमारे पास दोनों काम है, ठीक है, हैवी के अंदर एंड द लाइट के अंदर। अगर हम ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो सुखोई वहाँ पर नहीं मैन्यूवर्स दिखा पा रहा था अगर हम इसको फुली लोड कर दें, लेकिन राफेल वो काम कर रहा है क्योंकि राफेल की जो बिल्ट है वो थोड़ी सी लाइट है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी लाइट है। हाँ जी, हाँ जी, ऑफ कोर्स लेंथ भी ज़्यादा है, हाँ जी, लेकिन गाइस F-16 और JF-17 जो कि दोनों ही हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट पर डेटरेंस का काम करते हैं उसके लिए हमें सुखोई चाहिए था, है ना। यस यस ऑफ कोर्स, द सुखोई 30 MKI इज इवॉल्विंग इंटू अ क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स बाय 2016 इट विल बी द इंटीग्रेटेड विद, मतलब बाय 2016, मतलब अगर हम यहाँ पर बोलेंगे फोर फ्रॉम इट हैव बीन आई एम सॉरी इंटीग्रेटेड विद ब्रह्मोस एंड द निर्भय क्रूज मिसाइल विच वुड गिव इट स्ट्राइक कैपेबिलिटी नेवर बिफोर इमेजिन बाय द इंडियन एयरफोर्स फॉर और इट्स राइवल्स जो कि JF-17 और F-16 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ जी, चले दोस्तों, प्लीज डू लाइक दिस सेशन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल because we have to expand our family to 2000k 200k I'm sorry yaar mujhe na ye language samajh nahi aati haan ji 2 lakh kar de yaar bacche subscribers please expand haan ji hum to desi hain desi rehne dijiye million ke billion ke trillion ke chakkar mein 1000 100000 200,000 सी लैंग्वेज थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाती है हमारे लिए, है ना, क्योंकि हम वो मटेरियल नहीं है ना जो ये सुनते हुए बड़े हुए हैं। अचानक से कैसे हम अपना वर्जन बदल दें। हाँ जी, चलिए गाइज, नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए। क्लास विल बी इन लाइक 5 मिनट्स आई थिंक। हाँ जी उत्तम मंडल जी, हाय, चलिए बातें करते हो कहते हैं। यस चैंप, आप फटाफट से बताइए, 2-3 मिनट है मेरे पास। ऑफ कोर्स, राम राम जी, फटाफट से पूछिए गाइस एनी डाउट जल्दी से, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वी हैव टू कवर मोर थिंग्स। चलिए अर्पित सर आ गए हैं, और आप लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को,
देन आई विल सी यू लेटर एट 9:30 एमसीक्यूज के साथ. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.